अवध हॉस्पिटल का निशुल्क स्वास्थ्य कैंप कांजी देवर में संपन्न। क्षेत्र के सैकड़ों जरूरतमंदों ने उठाया स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का लाभ। लाभार्थियों ने डॉक्टर एनएन तिवारी का जताया आभार। रविवार 1 अगस्त को अवध हॉस्पिटल ने कांजी देवर सीएससी के सामने एक निशुल्क कैंप आयोजित किया, जिसमें सभी जरूरतमंदों को निशुल्क परामर्श और निशुल्क दवा दी गई। कैंप में आने वालों की संख्या कुल 494 रही। देवीपाटन मंडल के वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एन तिवारी ने स्वयं 180 मरीज देखे। वहीं स्त्री एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम तिवारी, जो पिछले 32 साल से जनपद में कार्यरत हैं, उन्होंने 155 मरीजों का इलाज किया। कैंप में मौजूद एम्स नई दिल्ली से पढ़े हुए डॉक्टर फैज अकरम ने 99 नतीजों को अपनी राय दी, जो अलग अलग क्षेत्र से आए हुए थे। डॉक्टर प्रमोद ने 60 मरीजों का इलाज किया। कैंप का नेतृत्व अवध अस्पताल की डायरेक्टर जाह्नवी तिवारी ने किया। कैंप को सफल बनाने में आरती यादव, आरती शुक्ला, अजय सिंह, काजल नेहा, विकास गिरी, जीतू, संगीता, विनोद एवं अवध नर्सिंग कॉलेज के प्रधानाचार्य अनिल सिंह सहित स्टाफ ने मुख्य भूमिका निभाई। कोंडा से ब्यूरो चीफ रजनीकांत की रिपोर्ट। दरअसल आज एक कैंप लगाया गया है। इस कैंप लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कैंप लगाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि गरीबों को अनुभवी डॉक्टर के द्वारा सही परामर्श दिया जाए। दरअसल कितने मरीजों को देख चुके हैं अभी तक? अभी तक करीब 154 मरीज को देखे। क्या हर हफ्ते लगता है कि महीने में हमारा लगाने का प्रोग्राम है, लेकिन हम कई क्षेत्रों में जा करके पूरे साल में कई क्षेत्रों में जाएंगे। जो कोंडा के निकट के क्षेत्र हैं वहाँ पर जा करके लोगों को अपनी सेवाओं को निःशुल्क देने का प्रयास करें। किस हॉस्पिटल की तरफ से कैंप लगाया गया? ये अवध हॉस्पिटल सर्कुलर रोड अपोजिट फार्मा पर है।